हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम इंग्लिश के कुछ बहुत बेसिक बेसिक सेंटेंसेस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं हमेशा अपना अलार्म 6 बजे के लिए सेट करती हूँ। तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे, आई ऑलवेज सेट माई अलार्म फॉर 6 AM। आई ऑलवेज सेट माई अलार्म फॉर 6 AM। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती है। तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे, She takes her dog for a walk in the morning. She takes her dog for a walk in the morning. Next sentence है, वह सुबह सबसे पहले अपना ईमेल चेक करता है। He checks his email first thing in the morning. He checks his email first thing in the morning. Next sentence है, उसने गीली टेबल को कपड़े से पोछा। पोछा यानी साफ किया। She wiped the wet table with a cloth. She wiped the wet table with a cloth. Next sentence है, मुझे अपने गीले हाथों को सुखाने के लिए एक तौलिया चाहिए। अगर आपको किसी से मांगना हो तो आप कहेंगे, I need a towel to dry my wet hands. I need a towel to dry my wet hands. Next sentence है, रंग अभी सूखा नहीं है, यह अभी भी गीला है। The paint hasn't dried yet, it's still wet. The paint hasn't dried yet, it's still wet. Next sentence है, कार की सीट बारिश से अभी भी गीली है। The car seat are still damp from the rain. The car seats are still damp from the rain. Next sentence है, गीला कागज आसानी से फट गया। The soggy paper ripped easily. The soggy paper ripped easily. गीला यानी soggy. उसने महसूस किया कि जमीन हिल रही है। He felt the ground moving. He felt the ground moving. उसे गणित की परीक्षा बहुत कठिन लगी। She found the math test very challenging. She found the math test very challenging. घने जंगल में से गुजरना मुश्किल है। Navigating through the dense forest difficult. Navigating through the dense forest difficult. नेक्स्ट सेंटेंस है, मरम्मत का काम बहुत कठिन साबित हुआ। द रिपेयर वर्क प्रूव्ड टू बी वेरी आर्डियस। द रिपेयर वर्क प्रूव्ड टू बी वेरी आर्डियस। नेक्स्ट सेंटेंस है, सही समाधान ढूंढना आसान काम नहीं था। फाइंडिंग द राइट सॉल्यूशन वॉज नॉट ईजी टास्क। फाइंडिंग द राइट सॉल्यूशन वॉज नो ईजी टास्क। नेक्स्ट है, सभी लोग कार्यक्रम के बारे में उत्साहित थे। Everyone was excited about the event. Everyone was excited about the event. नेक्स्ट सेंटेंस है, कमरे में सभी लोग चुप थे। All the people in the room were silent. All the people in the room were silent. सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स। एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स। शिक्षक ने छात्रों से एक निबंध लिखने को कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे। वह टाइप करने के बजाय हाथ से लिखना पसंद करती है। She prefers writing by hand rather than typing. She prefers writing by hand rather than typing. उन्होंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। They bought new clothes for their children. They bought new clothes for their children. नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे अपने खाने में बाल देखकर निराशा हुई। ही वॉज डिसअपॉइंटेड फाइंड अ हेयर इन हिज मील।
ही वॉज डिसअपॉइंटेड फाइंड अ हेयर इन हिज मील। वेटर ने बाल मिलने के बाद डिश को बदलने की पेशकश की। द वेटर ऑफर्ड टू रिप्लेस द डिश आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। द वेटर ऑफर्ड टू रिप्लेस द डिश आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। बाल मिलने के बाद उसने खाना नहीं खाया। शी कुडंट ईट द फूड आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। She couldn't eat the food after finding the hare. वे एक मुश्किल ग्राहक से निपट रहे हैं। They are dealing with a difficult customer. They are dealing with a difficult customer. Next sentence है, सड़क की स्थिति ने यात्रा को मुश्किल बना दिया है। The road condition made the journey difficult. The road conditions made the journey difficult. परीक्षा उतनी कठिन थी जितना उसने सोचा था। The exam was more difficult than she expected. The exam was more difficult than she expected. उसे नए वातावरण में ढलना मुश्किल लगता है। He finds hard to adopt to new environment. He finds hard to adopt to new environments. हमें अब निकल जाना चाहिए। We should leave now. We should leave now. सड़क पर कारों की संख्या बढ़ गई है। The number of cars on the road has increased. The number of cars on the road has increased. Next sentence है, पड़ोस में घरों की संख्या 50 है। The number of houses in the neighborhood is 50. The number of houses in the neighborhood is 50. हमें आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत है। We need to call the emergency number. We need to call the emergency number. उसके सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। She has a large number of followers on social media. She has a large number of followers on social media. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।